गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं अभिक्रिया की वेग, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक और अभिक्रिया की आणविकता तथा छदम एक आणविक अभिक्रिया। आज हम बात करेंगे अभिक्रिया की कोड की। अभिक्रिया की कोड प्रयोगों द्वारा निर्धारित की जाती है, इसलिए किसी वेग समीकरण को देखकर हम उसकी अभिक्रिया की कोड का निर्धारण नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारी अभिक्रिया की कोड वेग समीकरण में लिखे सांद्रण के द्वारा भी निर्धारित की जा सकती है। अभिक्रिया की कोड के लिए कहा गया है कि अभिकारकों की सांद्रता की निर्भरता को अभिक्रिया की कोड द्वारा व्यक्त करते हैं। बात करें इसकी डिफिनेशंस की या परिभाषा की, तो कह सकते हैं किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण में निहित किसी अभिकारक विशेष के सांद्रण की घात को उस अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया की कोड कहा जाता है। क्या कह रहे हैं कि किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण में नहीं किसी अभिकारक विशेष के सांद्रण की घात को उस अभिकारक विशेष के सापेक्ष क्या कह रहे हैं अभिक्रिया की कोड कह सकते हैं। तथा वेग नियम में नहीं, जो वेग नियम हम लिख रहे हैं उस वेग नियम में नहीं सभी अभिकारकों के, जितने भी अभिकारक हैं 1, 2, 3, 4 सभी अभिकारकों के सांद्रणों की घातों के योग को अभिक्रिया की कुल कोड कहते हैं। यानी कोई ऐसी अभिक्रिया है जिसमें कई अभिकारक भाग ले रहे हैं, उन अभिकारकों के सांद्रण की जो घात है उन घातों का योग अभिक्रिया कुल कोड कहलाती है, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। मान लें कि एक सामान्य अभिक्रिया के समीकरण, माना निम्न सामान्य अभिक्रिया समीकरण है, मान लेते हैं कोई एक अभिक्रिया के समीकरण है जो निम्न प्रकार से, मान लो ए की घात ए और ए के सामान ए बी बी प्लस सी स्मॉल सी और कैपिटल सी गिव्स प्रोडक्ट। ध्यान दीजिएगा, ए की जो मोलर सांद्रता है स्मॉल ए दिया हुआ है, बी की जो मोलर सांद्रता है स्मॉल बी दी हुई है, और सी की मोलर सांद्रता स्मॉल सी दिया हुआ है। ये मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं, कोई अभिक्रिया हो ये उत्पाद बन रहा है। अब जो है अगर इसका प्रयोगों द्वारा निर्धारित रेट रिएक्शन देखें या वेग नियम से प्राप्त समीकरण को देखें, तो जो प्राप्त होता है प्रयोगों द्वारा प्राप्त वेग नियम रेट बराबर के ए की घात पी बी की घात क्यू तथा सी की घात आर है। आपको पहले बता चुके हैं कि किसी भी अभिक्रिया की समीकरण को देखकर, वेग समीकरण को देखकर हम उसकी कोटि का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। उसके मान को हम प्रयोगों द्वारा निर्धारित करते हैं, और प्रयोगों में पाया जा रहा है कि ए का जो साधारण पी की घात के समानुपाती है, सॉरी पी की घात है, बी के सांद्रण को क्यू के घात से रिपोर्ट करते हैं और सी की घात को आर से। अब ये पी जो है ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोड को प्रदर्शित करता है। क्या कह रहा है कि इस पूरी समीकरण में ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोड को प्रदर्शित करता है, क्यों बी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोड को प्रदर्शित कर रहा है तथा आर सी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोड को प्रदर्शित करता है। यानी ये सभी अलग अलग
ए जो है ए के सापेक्ष बी सॉरी पी ए के सापेक्ष, क्यू बी के सापेक्ष और आर सी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि को प्रदर्शित करते हैं या कहा जा सकता है। अगर हम बात करें अभिक्रिया की कुल कोटि की, अभिक्रिया की कुल कोटि आपको बताया है कि किसी अभिक्रिया में जितने अभिकारक होते हैं सभी की सांद्रताओं के घातों का योग अभिक्रिया की कुल कोटि कहलाता है। या लिख सकते हैं P प्लस क्यू प्लस आर, यानी अभिक्रिया की कुल कोटि हो गई P प्लस क्यू प्लस आर, क्योंकि तीनों की अभिक्रिया के साथ अलग अलग कोटि आप निर्धारित कर चुके हैं। अब हम बात करें यदि अभिक्रिया की कोटि का मान लीजिए इनका योग या फिर किसी एक घात के अनुपात है, तो अगर एक आता है तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, दो आता है तो द्वितीय कोटि या सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, और तीन आता है तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। अगर अभिक्रिया में किसी भी अभिकारक की सांद्रता उसके वेग नियम को प्रभावित नहीं करती है तो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। सामान्यतः अभिक्रिया की पूर्णांक होती है, किंतु बहुत सारी अभिक्रियाओं में या कुछ अभिक्रियाओं में अभिक्रिया की कोटि का मान शून्य या भिन्नात्मक भी हो सकता है। अभिक्रिया की कोटि के बारे में कुछ सामान्य लक्षण की बात करें या कुछ मुख्य बिंदु की बात करें तो ध्यान रखेंगे, पहला, अभिक्रिया की कोटि पूरी तरह से प्रयोगों द्वारा निर्धारित होती है, यानी जो इनका मान होता है वो प्रायोगिक मान होता है कैलकुलेशन द्वारा या अभिक्रिया की समीकरण को देखकर या नहीं किया जा सकता है। दूसरा, इस अभिक्रिया की संतुलित समीकरण में अभिकारकों की स्टॉइकोमेट्रिक मान जो दो तीन अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या दिया जाता है, जैसे इसमें स्मॉल है इसमें स्मॉल भी दिया हो, उसके द्वारा हम लोग अभिक्रिया की कोटि का मान ज्ञात नहीं कर सकते। तो किसी में देखिए यहाँ ये है, यहाँ पी और क्यू आर दिया हुआ है, पी क्यू आर जो प्रयोगों द्वारा प्राप्त है, अतः प्रायोगिक मान ही रखेंगे। अगला पॉइंट कह सकते हैं कि अभिक्रिया की कोटि प्राय हमेशा नहीं लेकिन प्राय अधिकांशतः पूर्णांक होती है, लेकिन कभी कभी इसका मान शून्य या प्रभाजक अर्थात फ्रैक्शन में हो सकता है। एक उदाहरण देखें इस अभिक्रिया की कोटि को समझने के लिए, तो NO प्लस O2 NO बैलेंस करते हैं 2NO, कोई अभिक्रिया है 2NO प्लस O2 और NO, इसकी अगर रेट की बात करें तो रेट में हम लिखेंगे कि NO यहाँ दो दिया हुआ है स्टॉइकोमेट्री में, तो NO का वर्ग इंटू O2 का वर्ग एक कर रहे हैं या नहीं भी लिख रहे हैं, तो ये देख रहे हैं कि यहाँ हम कह सकते हैं कि NO के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि दो तथा O2 के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि एक है, अर्थात अभिक्रिया को जो अभिक्रिया का वेग है NO के सांद्रण के वर्ग तथा O2 के सांद्रण के समानुपाती है, अर्थात NO के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि तथा द्वितीय कोटि सेकेंड ऑर्डर होगा दो है दो और O2 के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि एक होगी। अब अभिक्रिया की कुल कोटि की बात करें, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कुल कोटि होगी तीन, इस प्रकार आप किसी भी अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण कभी कभी स्टॉइकोमेट्रिक मानों के द्वारा भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अभिक्रिया के विभिन्न कोटि की,
अभी आप बताए थे कि अभिक्रिया की सांद्रण अगर एक है तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, दो है तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तीन है तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया, और अगर किसी कारण से या कुछ ऐसी भी अभिक्रियाएँ हैं जिसमें अभिकारकों की सांद्रता अभिक्रिया के वेग के लिए उत्तरदायी नहीं होता है, उस परिस्थितियों में शून्य ऑर्डर रिएक्शन या जीरो ऑर्डर रिएक्शन या सूर्य कोटि की अभिक्रिया भी कह सकते हैं। हम लोग पहले बात करेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया की। शून्य कोटि की अभिक्रिया हाइड्रोजन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसकी बात करें तो शून्य कोटि की अभिक्रियाओं में क्या कह रहे हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के लिए अभिकारकों के वेग का मान किसी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। पहले कह चुके हैं कि कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें अभिकारकों के सांद्रण का कोई प्रभाव नहीं होता है, वे एक नियत समय से चलती रहती है, तो उस आधार पर कह सकते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया का वेग का मान किसी अभिकारक, एक दो तीन कोई भी अभिकारक, किसी भी अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, तथा यह मान पूरी अभिक्रिया के समय जितने देर अभिक्रिया हो रही स्थिर रहता है। अभिकारक की सांद्रता परिवर्तित करने पर अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे कोई अभिक्रिया है उसमें सांद्रण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पर वेग पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार की अभिक्रियाएं एक समान वेग से चलती रहती है। तो अभी आपको पता है कि जिनमें अभिकारकों की सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। कुछ एग्जांपल्स देखें तो जैसे H2 और Cl2 जल की सतह पर हाइड्रोजन और क्लोरीन के योग के द्वारा हाइड्रोजन क्लोराइड का बनना, H2+Cl2 2HCl H2O की सतह पर, इसकी उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये कोई अभिक्रिया है, तो जब ये अभिक्रिया अभिकारक भले हाइड्रोजन की सांद्रता बढ़ा दें या क्लोरीन की सांद्रता बढ़ा दें या फिर दोनों की सांद्रता बढ़ा दें, ये एक नियत वेग से चलती है। जब नियत वेग से चलती है तो इसकी अभिक्रिया का वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है सांद्रण बढ़ाने से, अतः यह शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। और इसका जो प्रायोगिक मान निकाला गया वो देखा गया कि रेट जो होता है प्रायोगिक रेट मान रेट होता है कि H2 की घात 0 Cl2 की घात 0, यानी इसके साधारण बढ़ाने पर इस पर अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और भी अभिक्रिया है, गोल्ड या प्लेटिनम की सतह पर, गोल्ड हो या प्लेटिनम हो उसकी सतह पर अमोनिया का विघटन, जैसे NH3N2+H2Au+PT, गोल्ड या प्लेटिनम की सतह पर अमोनिया का विघटन देखें तो दो NH3 N2 और 3H2+ है। इसका भी जो रेट होता है ये होता है K(NH3)0। वैसे सामान्यतः हम आपको एक पहचान बताएं कि उत्प्रेरक की उपस्थिति, जल की सतह की उपस्थिति, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रियाएं मुख्यतः क्या होती है शून्य कोटि होती है, लेकिन इसको पूर्णतः नहीं मान सकते हैं क्योंकि केमिस्ट्री में कुछ ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनके लिए कुछ नियम पार लागू नहीं होते हैं जिन्हें हम अपवाद के नाम से जानते हैं। तो बात करें तो इसमें देखते हैं इसकी अभिक्रिया की कोटि शून्य हो गई, इस अभिक्रिया की कोटि भी शून्य हो गई, इसका भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन शून्य हो गया। अब बात करें शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो क्या कहते हैं मात्रक, बात करें वेग
स्थिरांक मात्रक, शून्य कोण की अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक मात्रक। तो शून्य कोण के लिए वेग स्थिरांक के मात्रक को हम देखेंगे, तो आप लिखते हैं रेट बराबर के इंटू ए पर पावर शून्य, अर्थात कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स। अर्थात आप कह सकते हैं कि सांद्रता प्रति समय इसका मात्रक हो सकता है। अब चूंकि आप जानते हैं कि सांद्रता को मोल प्रति लीटर में और समय को अगर सेकेंड में व्यक्त करें तो इसका जो मात्रक होगा वो होगा मोल प्रति लीटर प्रति मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, या कह सकते हैं कि मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, या अगर यह अभिक्रिया गैसीय अवस्था में हो रही है तो एटीएम प्रति सेकेंड। अब बात कर रहे हैं हम शून्य कोण की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग नियम। चूंकि हम लोगों को डेरिवेशन नहीं पढ़ना होता है इसलिए हम आपको सूत्र बताएंगे कि शून्य कोण की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण या समाकलित वेग नियम समाकलित वेग नियम का मतलब है इसका समाकलन करने पर जो नियम या समीकरण प्राप्त होगी उसे कहेंगे समाकलित वेग समीकरण। चूंकि हम लोगों को डेरिवेशन नहीं करना है, अब आप जानते हैं कि जो एक समीकरण ए से उत्पाद में बदल रही है जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो किसी एक घात की ही समानुपाती होती है। एक पदार्थ ए अगर है ये जो उत्पाद में बदल रहा है तो मानते हैं कि प्रारंभ में इसकी सांद्रता ये जीरो है और टी समय पश्चात इसकी सांद्रता ए हो जाती है, यानी ये जीरो प्रारंभिक सांद्रता है, टी समय है इतने समय के बाद इसकी सांद्रता ए जीरो हो रही है। तो इसके लिए जो समाकलित वेग समीकरण होगी, सीधे हम वेग समीकरण की बात करें तो वो होता है कि बराबर एक बटा दो एक की घात जीरो माइनस ए, आपको पहले बता चुके हैं ए जीरो प्रारंभिक सांद्रता, सॉरी वन बाई टू नहीं है, वन अपॉन टी, वन अपॉन टी ए जीरो माइनस ए। अब हम बात करें प्रथम ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए या प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए, तो जैसे आपको पहले ही बता चुके हैं कि इस प्रकार की अभिक्रियाओं में अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के सांद्रण के समानुपाती होता है, यानी जो वेग अभिक्रिया का वेग होता है अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होगा, तथा यदि अभिकारक के सांद्रण को दुगुना कर दिया जाए तो अभिक्रिया का वेग भी दुगुना हो जाएगा। और इसमें मुख्य चीज यह है कि किसी एक अभिकारक की सांद्रता अभिक्रिया की कोटि को निर्धारित करेगी, यानी कोई अभिक्रिया की कोटि या अभिकारकों की सांद्रण हमेशा एक घात होगी। जैसे एक रेट लिखें ए गिव्स प्रोडक्ट, कोई पदार्थ अभिकारक ए है जो उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है, अगर उत्पाद में तो प्रथम कोट के रेट के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, रेट बराबर
के ए पर पावर वन, और वन को हटाया तो लिख सकते हैं रे बराबर के इंटू ए, क्योंकि ए का गुणा करें देखा है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि अभिकारक के सांद्रण को दुगुना करने पर अभिक्रिया की वेग दुगुनी हो जा रही है, अतः यह प्रथम कोट की अभिक्रिया है। प्रथम कोट की अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण है एथिल क्लोराइड का विघटन, जैसे C2H5Cl है, इसका किसी भी अभिक्रिया द्वारा विघटन कर रहे हैं तो C2H4+HCl। NH4Cl का विघटन NH3+HCl, और भी अभिक्रियाएं नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का विघटन, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का विघटन, हाइड्रोजन सल्फर परऑक्साइड का विघटन, जैसे H2O2 का भी क्या है विघटन है, H2O2 गिव्स H2O+ इस तरह से बहुत सारी अभिक्रियाएं प्रथम कोट की अभिक्रियाएं हैं जिनका जो अभिक्रिया का वेग होता है अभिकारक की सांद्रता के एक घात के बराबर होता है, अर्थात अभिक्रिया की जो कोट होती है एक होती है। प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक टाइम इनवर्स होता है, अगर टाइम समय सेकेंड में है तो सेकेंड इनवर्स, मिनट में है तो मिनट इनवर्स, घंटे में है तो हावर्स इनवर्स कह सकते हैं। अब बात करें इसके समाकलित वेग समीकरण की, सीधे सीधे हम लिखेंगे समाकलित वेग समीकरण के लिए, तो समाकलित वेग समीकरण के बराबर होता है 2.303 अपान टी, टी क्या है समय, लॉग बेस 10 ए जीरो अपान टी, ये जो होती है इसकी समाकलित वेग समीकरण होती है। हम लोग को सीधे समाकलित वेग समीकरण लिखना है, इसको और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं के बराबर 2.303 अपान टी, इस लॉग बेस 10 को सालते हैं लॉग बेस 10 ए अपान ए माइनस एक्स, इसके द्वारा भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपको मात्रा बता दी है टाइम इनवर्स, टाइम इनवर्स का मतलब सेकेंड इनवर्स हो सकता है, मिनट इनवर्स हो सकता है या हावर्स इनवर्स भी हो सकता है। अब हम एक चीज और का निर्धारण कर लें कि प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए या शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु की गणना या अर्धायु से संबंध। अब हम बात करेंगे प्रथम कोट की अभिक्रिया की अर्धायु की, अर्धायु कह सकते हैं कि किसी अभिक्रिया के आधे भाग का पूर्ण होने लगा समय, या कोई पदार्थ है उसके आधे भाग के विघटित होने में लगा समय अभिक्रिया की अर्धायु कहलाता है। कह सकते हैं कि किसी अभिक्रिया के आधे भाग, परिभाषा नोट करेंगे, किसी अभिक्रिया के आधे भाग के पूर्ण होने में लगने वाले समय, अर्थात किसी अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा के आधे भाग के क्रिया में लगने वाले समय को अभिक्रिया की अर्धायु कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि किसी अभिकारक, मान लो ए है, अगर ये 10 ग्राम है तो ए 5 ग्राम अभी प्रोडक्ट में परिवर्तित होने के लिए,
ए से जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके आधे भाग यानी 5 का 1/2 और 10 का 1/2 अर्थात 5 ग्राम 10 ग्राम है 5 ग्राम की अभिक्रिया में खत्म होने या उत्पाद में बदलने में लगने वाले समय अभिक्रिया की अर्धाय कहते हैं। इसको टी हॉफ से प्रदर्शित करते हैं, टी 1/2 या टी हॉफ से प्रदर्शित करते हैं। प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए के बराबर आपको अभी बताए थे, अभी आपको बताए हैं के बराबर क्या कह रहे हैं, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग लेस 10 A0 अपॉन A। इसको लिख सकते हैं T बराबर यहाँ से यहाँ जाएगा 2.303 अपॉन K लॉग बेस 10 A0 अपॉन A। यहाँ तक लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, इसकी अभिक्रिया के पूर्ण होने की स्थिति में आधा अभिक्रिया अभिक्रिया के आधे भाग के पूर्ण होने की स्थिति में क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 1/2 A0 1/2 A0 तथा टी कितना हो जाएगा 1/2 या टी बराबर टी हाफ। इसको लिख सकते हैं टी 1/2। तो ये इसमें समय हो गया। अब अगर हम इसको संकलित करें या फिर इसको पूरे का अगर इस ए बराबर 1/2 A0 और टी बराबर टी हाफ का मान पहले समीकरण में रखें तो आप के बराबर लिख सकते हैं या टी हाफ बराबर हम लिख सकते हैं अभी जो समीकरण लिखे थे 2.303 अपॉन ए लॉग बेस 10 ए अपॉन 1/2 A0 नहीं सॉरी A0 अपॉन 1/2 ये हम लिख सकते हैं क्योंकि A0 पहले ऊपर था और A बराबर लिखे हैं 1/2 A0 और T बराबर टी हाफ। इस समीकरण को अगर कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि मिलता है टी हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन के log base 10 2। इसको पूरा समीकरण भी मिल जाएगा और इस पूरी समीकरण को अगर संतुलित कर ले तो हम पाते हैं कि हाफ बराबर 0.693 अपॉन क्या बचा के और इसकी सहायता से आप किसी भी पदार्थ की अर्धाय की गणना कर सकते हैं प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए। टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के या के की गणना भी कर सकते हैं, के बराबर हो जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ। अगर टी हाफ निकालना है तो ये मिल जाए, ये हमेशा फिक्स है, एक स्थिरांक है। इसकी सहायता से आप किसी भी अभिक्रिया में प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए टी हाफ की गणना कर सकते हैं।